दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। अभी जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड टॉपर की कॉपी है। इस कॉपी को देखने से आपको पता चलेगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉपर्स जो आते हैं वो कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आपको, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपर्स के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके देख लें, आराम से देख लें अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो की क्वालिटी सेलेक्ट करने नहीं आती तो वीडियो को HD में देखें। सेलेक्ट करने का मेथड ये है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करें। पॉज करते ही आप देखेंगे वीडियो के ऊपर के कोने में तीन छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं। राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ छोटे छोटे तीन डॉट बने हुए हैं, उन डॉट को क्लिक करें। डॉट पर क्लिक करते ही आपको एक छोटा सा विंडो दिखाई देगा। उस विंडो को खुलने पर आप देखेंगे वहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन लिखा हुआ है। उस क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करिए और वहाँ से कम 480p 480p सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप वीडियो को प्ले कर दीजिए। वीडियो आपका विद इन 2-3 सेकेंड में बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आप पूरा वीडियो एक आराम से देख सकते हैं। अब मैं बता रहा था आपको कि ये जो टॉपर की कॉपी है इसको आप देख लें, इसमें टॉपर ने कैसे लिखा है और क्या उसका आंसर करने का तरीका है। उसने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है। भले राइटिंग कैसी भी हो, राइटिंग मैटर नहीं करता। किसी भी स्टूडेंट का राइटिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि जो आप लिख रहे हैं वो किसी के समझ में आए। इतना ज़रूरी नहीं है कि आपकी राइटिंग बहुत शानदार हो। राइटिंग शानदार होने से कुछ नहीं मिलेगा आपको कभी ज़िंदगी में। राइटिंग को कोई नहीं वैल्यू देता। आपको जो समझाना है वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे एग्ज़ामिनर को सामने जो समझा पा रहे हैं वो चीज़ लिख रहे हैं वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो लिखते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उसको आप एग्ज़ामिनर को साफ साफ लिखें, दूर दूर लिखें ताकि एग्ज़ामिनर पढ़ पाए आराम से। क्योंकि एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक कॉपी में ज़्यादा टाइम दे पाए। हर एग्ज़ामिनर को एक एक कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, तो एक एग्ज़ामिनर जितने ज़्यादा कॉपियाँ चेक करेगा उसको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आप एग्ज़ामिनर का टाइम वेस्ट करेंगे, उसका माइंड डिस्टर्ब करेंगे तो वो नंबर काट देता है। वो ज़्यादा फिर आपको तजब्बू या भाव नहीं देता आपकी कॉपी को। तो कॉपी एकदम साफ़ सुथरा लिखें, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ डायग्राम बनाएं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर सेक्शन मेंशन करें। इससे आपका प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जो भी चीज़ें हाईलाइट करने की हैं हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ब्लैक पेन से हेडलाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करता। नंबर नहीं करते हैं ब्लैक पेन से हेडलाइन लिखने के, और मेन पॉइंट लिखने का कोई नंबर नहीं करता। बाकी आप ब्लू पेन यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस सभी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। और इसकी भी जो आपके एग्ज़ाम टॉपर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी जो टॉपर्स की जो वीडियोस हैं, जो उनकी सब्जेक्ट की वीडियो है, वो सारी की सारी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। लाइक बटन ज़रूर दबा दें। आपको सारे अगर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कोई लिंक नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक सेंड कर सकता हूं। अगर आपको लिंक नहीं मिले तो ही आप कमेंट करके मुझे लिंक की डिमांड करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, या कोई ऐसा चीज़ जो क्वेश्चन पेपर छूट गया हो, जो नहीं है अवेलेबल, तो आप उसको भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल है जो क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर इतने सारे पेपर्स अपलोड किए जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन सा पेपर रह गया और कौन सा पेपर अपलोड कर दिया गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक बटन आपने प्रेस कर दिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे इस चैनल के साथ में। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो।